हेलो एवरीवन, ये कैनस मुझे किसी ने दिए हैं। इसमें 7 पीसेस हैं। आज मैं इस पर एक एब्स्ट्रैक्ट वुमन पेंटिंग बनाने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है। सबसे पहले मैं एक इमेज, वुमन की इमेज ड्रॉ कर ले रही हूँ। इसके बाद मैं पेंट करूँगी। मैंने इस पे किसी तरह का बेस या जेसो वगैरह अप्लाई नहीं किया है। मैं डायरेक्ट इस पे एक्रेलिक कलर का यूज़ करूँगी। इस तरह की कई इमेजेस आप ऑनलाइन सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसका स्किन कलर बनाकर कलर करने जा रही हूँ। स्किन कलर मैं हमेशा इमेज देखकर या खुद ही डिसाइड करके बनाती हूँ। मोस्टली मैं वाइट, रेड और ब्राउन कलर का यूज़ करती हूँ। इन कलर्स को मिक्स करके स्किन टोन बनाती हूँ। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग वो पेंटिंग होती हैं जिसमें आप रियल इमेज से हटकर कुछ उसको अपनी तरफ से भी आकार दे सकते हैं। उसमें किसी भी तरह का उसको शेप दे सकते हैं, कोई रियल इमेज से हटके। मुझे इतना ही पता है, बाकी आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने साइड में ब्लैक कलर का यूज़ किया है। आप कोई भी कलर कर सकते हो, ब्राउन भी कर सकते हो। ये तो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, इसमें तो रियल इमेज से हटके कुछ भी बनाया जा सकता है। ये फ्लावर्स फ्लावर्स बने हैं, इसके कुछ बालों में लगे हैं। एक्रेलिक कलर्स बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं। इसके लिए आप वाटर लेकर बीच बीच में इस पर वाटर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे ये जल्दी ड्राई नहीं होंगे। यहाँ पर मैं इसका हैंड बना रही हूँ। यहाँ पर मैं आईज़ को कलर करने के लिए ब्लैक कलर का यूज़ कर रही हूँ। ब्लैक और ब्राउन और वाइट, इन 3 कलर्स का यूज़ मैंने यहाँ पर वुमन की आईज़ बनाने के लिए किया है। मन के नए नक्श बड़े
पेंटिंग जैसा वर्क करने के लिए बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत होती है। पेशेंस नहीं होता है तो बहुत जल्दी जल्दी करने से पेंटिंग ख़राब हो सकती है। अब यहाँ पर मैं स्किन टोन थोड़ा चेंज कर रही हूँ। मैं कभी भी कुछ भी कर देती हूँ, आप भी कर सकते हैं। साइड में मैंने ये स्किन टोन चेंज करने के बाद मैं साइड में ग्रीन कलर का यूज़ करूँगी। पेंटिंग जितनी दिखने में आसान है लेकिन उसको पेंट करने में टाइम कम नहीं लगा है। यहाँ पर मैं ग्रीन कलर साइड में कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने वाटर का यूज़ किया है। कहते हैं कि आप वाटर की जगह इसमें मीडियम का यूज़ करिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मीडियम का यूज़ करने से उसकी शाइन मेंटेन रहती है, वरना कुछ शाइनिंग इसकी कम हो जाती है कलर की वाटर मिलाने से। मेरे पास मीडियम नहीं था तो मैंने वाटर का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर मैं डीए के साइड में थोड़ा लाइट शेड का यूज़ कर रही हूँ, वाइट और येलो का। पता नहीं लोग कैसे अपना सामान ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, पर मुझसे सब मेसी हो जाता है और सब लोगों को इसी बात के लिए टोकने का मौका मिल जाता है। यहाँ पर मैं हैंड पेंट कर रही हूँ वुमन के, और थोड़ा सा रेड और ऑरेंज कलर का यूज़ किया है मैंने। और यहाँ दिए को पेंट करने के लिए मैं रेड कलर का यूज़ कर रही हूँ। साइड में ब्लैक। यहाँ पर मैं ब्राउन कलर और वाइट से थोड़ा सा लाइट शेड करूँगी ब्राउन का आईज में। इसकी ईयरिंग्स में मैं येलो कलर का, लेमन येलो कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप
कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको नोज रिंग पहना दी है। थोड़ा सा लिप्स को लाइट कर रही हूँ। यहाँ पे फ्लावर्स पेंट कर रही हूँ। साइड्स में आउटलाइनिंग कर दी है। इसके फेस के साइड में भी मैं ब्लैक से आउटलाइनिंग कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने इसकी बिंदी भी लगा दी है रेड कलर से, और कुछ वाइट कलर से डॉट्स बनाए हैं। अब यहाँ साइड्स में मैं कुछ डॉट्स बना रही हूँ येलो और रेड कलर से। इसको भी बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा था। ये जो बारीक बारीक महीन महीन सी डिटेलिंग्स होती है ना, इनमें तो बड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, जब आपको इन सब में इंटरेस्ट है तभी तो आप ये पंगे लेते हैं। टफ से टफ चीज़ आप बनाना चाहते हैं, सब कुछ ट्राई करना चाहते हैं, है ना? जिंदगी भी कुछ इसी तरह होती है। हमें बस डिफरेंस इतना है कि इसमें हमें ना चाहते हुए भी पंगे लेने पड़ते हैं। यही तो जिंदगी है, स्पेशली एक वुमन लाइफ। आई होप आपको मेरी ये पेंटिंग पसंद आई होगी। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।